तो आपको हम पहले वाली वीडियो में बताए थे कि प्रत्येक सारणी का उपसारणिक बनता है, तो इसके पहले वाले में दो कोटि वाला बताए थे, अब हम तीन कोटि वाला बताएंगे, जो आपको 4.4 प्रश्नावली के दो नंबर प्रश्न का एक और दो है। तो पहला आप देखेंगे, हम बता रहे हैं, प्रश्न दो का एक है, सारणिक 1 0 जीरो जीरो एक जीरो 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 वन, इसका आपको उपसारणिक निकालना है। तो सबसे पहले शब्द लिखेंगे, अब देखेंगे कैगो उपसारणिक निकलेगा, ध्यान देंगे कितने अवयव हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को अवयव है, तो 9 बार हम हल करेंगे इसको। हम ध्यान देंगे तो पहला है M11, इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब पहला रो और पहला कॉलम, इसको हम ढक देते हैं। ढक रहे हैं समझने के लिए, क्या दिखाई दिया, इतना दिखाई दिया। अब देखेंगे आपको, हम पहले वाले क्लास जब हुआ था लालगंज में, तो बताए थे डिटरमिनेंट के बारे में, उसके बारे में आपके पास नोट होगा, उसमें डिटेल देखेंगे, ए बी सी डी डिटरमिनेंट ऑफ, इसमें हम कैसे हल करते हैं, इसमें प्लस से और इसको माइनस से, तो क्या बनता है, AD-BC, यह नियम होता है, उसी प्रकार इसको हम हल करते हैं। तो 1 में 1 से 1 और माइनस 0 में 0 से 0, 1 में से 0 जाएगा आपको 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे M12, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो इस एक में 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 0 में 0 से 0, अब 0 में से 0 घटेगा 0 आएगा। M13, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 0 में 0 से 0, माइनस 0 में 1 से 0, अब 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा। अब M21, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 1 में 0 से 0, माइनस 0 में 0 से 0, 0 आएगा घट के। M22, दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो, इसको बीच वाले को इसको ढक देंगे, तो 1 में 0 1 में 1 से 1, माइनस 0 में 0 से, तो 0 हो जाएगा, घटेगा कितना, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। M23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो यह हुआ और तीसरा कॉलम, इसको ढक देंगे, ध्यान देंगे आप, 0 में 1 से 0, माइनस 0 में 0 से 0, बराबर 0 हो जाएगा। M31, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ध्यान देंगे 0 में 0 से 0, माइनस 1 में 0 से 0, घटेगा तो 0 आएगा। M32, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 0 में 1 से 0, माइनस 0 में 0 से 0 हो जाएगा, घटेगा तो 0। लास्ट है M33, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, क्या होगा, 1 में 1 से 1, माइनस 0 में 0 से 0, घटेगा तो आएगा 1। ध्यान देंगे यह जो मान आया, यही सब आपका उपसारणिक हो गया, यही आंसर हो गया। आप इस वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझते हैं तो प्लीज दोबारा देखेंगे, तिवारा देखेंगे, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, उसके बाद किताब में जो सवाल बचेगा उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। अब इस टाइप पर कुछ होमवर्क दे देते हैं, HW, निम्नलिखित सारणिकों का उपसारणिक सवाल है, निम्नलिखित सारणिकों का उपसारणिक निकालें। पहला सवाल,
तीन चार, एक दो तीन जीरो दो चार। तीसरा है बस इतना ही, और आप इसको ईमानदारी पूर्वक होमवर्क को बनाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर क्लास में नहीं है और कल तो क्लास तो बंद है तो कैसे चेक करेंगे, मार नहीं खाएंगे, इस तरह ऐसा नहीं सोचना है। सोचे कि सेम टू सेम लालगंज में क्लास चल रही है, इस तरह से सोचकर आप इसको ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे, और जब तक आप बनाएंगे नहीं अपने से खुद तो तब तक समझ में आएगा नहीं बढ़िया से, इसलिए इसको बनाना है। अगर कहीं भी बनाने वक्त समस्या हो, परेशानी हो, तो कॉन्टेक्ट नंबर तो जानते ही हैं, उस पर फ़ोन करेंगे आप तो हम त्वरित समझाने का प्रयास करेंगे, और किसी तरह से आपको समझना है कि नहीं, क्लास को बाधित नहीं करना है, और आप यह नहीं सोचेंगे कि आज नहीं पढ़ते हैं तो कल रोज आपको वीडियो जाएगी, अगर एक दिन मिस करते हैं तो आप पीछे हो जाएंगे। थैंक यू।